मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माय फादर। मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी, क्योंकि वो घर पे आते रहते थे, बर्थडेज पे भी आते थे। कि मेरी बेटी, मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पूरा मतलब है? मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी, मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हूँ। हाँ, किस रवि, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, किस रवि किशन की बात कर रही हूँ पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो 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 आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को दोहराइए। हाँ, क्या आपकी क्या मांगे हैं, आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफकोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं, नहीं सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी शादी हुई है रवि किशन से? या शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी बनाया है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, जगह पर बॉम्बे में। आपके पास वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फ़ोन ही नहीं था, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं, मेरे उनके भी साथ में हैं, जो बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है, और काफ़ी सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही है मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो, वो सारे वीडियो हैं जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ। आज आप लखनऊ अपनी मदर के साथ आए हैं, मदर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है पूरा मामला? सांसद रवि किशन है, बहुत ही सुपर स्टार हैं, क्या वो आपके पिता हैं? हाँ, तो मामला ये है कि मैं जो 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माय फादर। और मम्मी ने मुझे बोला, मुझे ऑफकोर्स ऐसा लगा इतने टाइम से उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे दैट ही इज़ माय फादर। बट देन आई गॉट टू नो, फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी, क्योंकि वो घर पे आते रहते थे, बर्थडेज पे भी आते थे, मैं उनकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ। और उसके बाद में जब मैंने उनसे बोला कि आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू एज अ सब, एज अ फादर, ही वॉज़ नेवर रियली देयर। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीज़ें कि प्लीज़ लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर या कुछ, तो मतलब आप उनके उसके बात भी नहीं कर रहे हो, आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, दो दो साल गायब हो जाते हो, अभी वो 4 साल से गायब है, मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की है। तो इसलिए ही आए हैं कि मम्मी को, मम्मी कह रही है वी शुड डू अ कोर्ट केस। मैं तो बस यही, एज अ सिटीजन आई हैव द राइट टू नो हु माई फादर इज़, और आई थिंक आई एम जस्ट लाइक वेरी हर्ट, क्योंकि मैंने इतने साल तक जब उन्होंने मुझे इतना प्रॉमिस किया है तो मेरे लिए तो वो एक फादर ही थे ना। जब उन्होंने बोला मैं ये करूँगा ये करूँगा, मैंने तो उनसे कभी बॉलीवुड हेल्प मांगी भी नहीं थी अंटिल ही सेड कि मैं करूँगा, तुम्हारा तो यही फ्यूचर है, तुम तो स्टार बनोगी, ये सब उन्होंने बहुत कुछ कहा है मुझे। तो मेरे लिए तो मैं हर्ट ही हूँ ना, कि आप 4 साल तक गायब ही हो गए हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ या मम्मी क्या कर रही है, तो आप इतने साल तक मुझे क्यों प्रॉमिस कर रहे थे? और मतलब वो ऐसा हो गया ना कि आप मेरे को, मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे जब मैं 16-17 की थी कि आई विल बी देयर फॉर यू। तो मेरे अब आपकी उनसे क्या मांग?
मांग यही है दैट ही एक्सेप्ट मी एज हिज डॉटर और एटलीस्ट ही टेल्स मी वाई डिड ही इवन डू ऑल ऑफ दिस, क्यों इतने टाइम तक ऐसे सब किया, या प्रॉमिस ही नहीं करते, बोलते ही नहीं, आप मुझे कभी बोलते ही नहीं ना दैट आई विल बी देयर फॉर यू, आप मुझे कभी ऐसे होप्स ही नहीं दिलाते, अगेन एंड अगेन टाइम एंड अगेन आप मुझे होप्स नहीं दिलाते, आप मुझे बोल देते कि मेरा तेरा से कोई रिलेशन नहीं है एंड मुझे करना ही नहीं कुछ भी, आप निकल जाते मेरी लाइफ से, तो आपने मुझे इतना प्रॉमिस क्यों किया, तो बहुत सारी चीज़ें। मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम शिनोवा है।